हाय एवरीवन, स्वागत है मेरे चैनल इंडियन मिर्ची में। आज मैं आप लोगों के लिए टमाटर की एक चटपटी चटनी की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसके लिए मैंने लिया हुआ है 3 टमाटर। ये टमाटर थोड़ा सा कम पका हुआ है, आप इससे और थोड़े से ग्रीन वाले टमाटर लोगे तो इसकी चटनी और अच्छी बनेगी। मैं 2-3 टमाटर के लिए मैंने लिया है 2 लहसुन, थोड़ा सा धनिया पत्ता और 2 ग्रीन चिल्ली। अब इसमें जाएंगे स्वाद के अकॉर्डिंग नमक और थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल, और मैं आपको आगे बताऊंगी कि हमें इसे कैसे बनाना है। फ्रेंड्स, चटनी को बनाने के लिए हमने गैस का फ्लेम ऑन किया कर लिया है। ऑन गैस के फ्लेम पर मैं डालूंगी ये छन्नी टमाटर को भूनने के लिए। हमें सबसे पहले टमाटर को काटना नहीं है, नहीं पकाना है, हमें इसे भूनना है। मैं इन तीनों टमाटर को गैस के ऊपर, इस छन्नी के ऊपर डाल दूंगी कि अच्छे से भून जाए, पक के रेडी हो जाए। ये तीनों टमाटर को लो टू मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे तो अच्छे से भून जाएगा, हाई फ्लेम पे भूनेंगे तो जल्दी से जल जाएगा, अंदर से पकेगा नहीं। हमें इसे अच्छे से भूनना है। फ्रेंड्स, टमाटर को हमको अच्छे से घुमाते हुए भूनना है, एक साइड से भून जाए तो हमें दूसरे साइड पलट भी देना है इसे। आप इसे ध्यान भी रखें कि टमाटर राउंड शेप में होता है तो इधर उधर भाग भी सकता है, आप इसका बात का भी ध्यान दें। फ्रेंड्स, टमाटर हमारा भून के रेडी हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं चारों तरफ से अच्छे से भून गया है। इसे मैं एक एक करके निकाल लूंगी सारे टमाटर को। आप आसानी से निकालें क्योंकि टमाटर बहुत ही गर्म हो चुका है, अभी किसी चीज की सहायता से निकालें। अब मैं इसके ऊपर मैं डालूंगी जो हमने लहसुन रखा था बड़ा बड़ा, उसे भी हमें भूनना है, लहसुन को भी भूनना है। और इसके साथ ही साथ हम इसमें इसके साथ ही भून लेंगे ग्रीन चिल्ली को। ग्रीन चिल्ली को थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर दे क्योंकि इसमें एयर बनेगा, एयर फूट भी सकता है। थोड़ा सा इसे ना अपने हाथ से या नाइफ की सहायता से किसी भी तरह से इसे थोड़ा सा कट कर दें आगे से। अब इसे भी हमें भूनना है, लो ही फ्लेम पे भून रहे हैं फ्रेंड्स। लहसुन को ऐसे घुमा घुमा के चारों साइड से भून ले, ये गिर भी रहा है। अब मैं मिर्ची को दूसरे साइड पलटूंगी इसे। चटनी को बनाने के लिए मैं जो टमाटर हमने भून के रखा है इसमें एक एक करके एक बोल में पानी लिया उसमें रखूंगी, और इसके जो छिलके हैं इजी तरीके से उतर जाते हैं, इनके सारे छिलकों को हमें उतार लेना है। इनके छिलके अच्छे से उतार लेंगे ऐसे करके। अभी बिल्कुल गर्म नहीं है, ठंडा भी हो चुका है, पानी में डालने से बहुत ही इजी तरीके से छिल भी जाता है। देखिए कितना क्लीन हो गया है, साफ हो गया। इसे मैं डालूंगी मिक्सी का एक बड़ा बड़ा जार लिया है हमने, उसमें एक जार में डालूंगी चटनी बनाने के लिए। एक एक करके सारे छिलके को हम उतार लेंगे। मैं तीनों टमाटर को एक एक करके छील लिया है, और हमारा ये मिर्ची है इसे तो पहले ही हमने भून के रखा था नाइफ की सहायता से। ये जो मिर्ची इसे पहले ही मैंने धो के रखा था तो इसे तो पानी में नहीं डालना है, तो कट करके इसे को इसमें डाल दूंगी। और ये रह गया हमारे लहसुन, इसे हमें क्लीन करना है। अरे हाथ हो गए गंदे, पहले मैं इसे अपने हाथ को क्लीन करूंगी। फ्रेंड्स, ये जो हमने सारे धनिया के पत्ते कट करके रखे इसे मैं इसमें डाल दूंगी जार में, क्योंकि लहसुन की जब कलिया को हम छिलके उतारेंगे तो जला हुआ छिलका गंदा हो जाएगा। अभी से हम एक एक करके छिलका उतार लेंगे। फ्रेंड्स, लहसुन को छील के इसे साफ करके धुल के मैंने इसे रख लिया है। अभी से मैं इस जार में रख लूंगी, उसके बाद मैं इसमें डालूंगी स्वाद के अकॉर्डिंग नमक। आप जितना नमक खाते हो अपने अकॉर्डिंग रख ले। मैं इसमें इसका टेस्ट, मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगी, चटनी में नमक हल्का सा ज्यादा ही अच्छा लगता है, बट वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप देख ले आपको कितना डालना है। चटनी चटपटी अच्छी लगती रहती है। मैंने इसमें अपने स्वाद के अकॉर्डिंग डाला है नमक। अब इसे मैं ग्राइंड करूंगी। फ्रेंड्स, इसे मैं मिक्सी में पीसूंगी, ग्राइंड करूंगी, ग्राइंड करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। फ्रेंड्स, चटनी को पीस के हमने रेडी कर लिया है, और चटनी के टेस्ट में 4 चांद लगाने के लिए मैं इसमें डालूंगी 1 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल। इसे डाल के अच्छे से मिला लूंगी। अब चटनी सर्व करने के लिए रेडी है। आप इसे रोटी के साथ, चावल के साथ, पूरी के साथ, किसी भी चीज़ के साथ खाइए, ये बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। सर्दी के लिए तो और लाजवाब है, और इसमें लहसुन गया है तो चटनी हमारा गर्म भी है, बॉडी के लिए भी काफ़ी अच्छा है। आप इस फ्रेंड्स इसे आप बना के ज़रूर खाइए। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।